नमस्कार दोस्तों, एकता लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है मकरोनी। हाँ फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेबल मकरोनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम मकरोनी ली है। ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। साथ ही मैंने 4 प्याज लिए हैं, जिनको बड़े साइज़ में लंबा लंबा काट लिया है, और 2 शिमला मिर्च लिए, जिसको लंबा लंबा काट लिया है। अब हम गैस पर एक भगोना रखेंगे, उसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए हैं। पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे। उससे पहले हम 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से मकरोनी जो है वो चिपकेगी नहीं। और थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच के करीब। अब हम इसके अंदर मकरोनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मकरोनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के अंदर, और इसे 5 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पे उबाल लेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। मकरोनी हमारी उबली है या नहीं हम इस तरह से चेक कर लेंगे, चम्मच की सहायता से इसे कट करके देख लेंगे। देखिए मकरोनी हमारी उबल गई है। अब हम इसे एक छलनी में निकाल देंगे और इसका पानी जो है सारा निकाल देंगे। इसके ऊपर हमें ठंडा पानी नहीं डालना है। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम 1.5 बड़े चम्मच तेल के डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च दोनों डाल देंगे, और इसे चलाते हुए हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च हमारी हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच। लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च है जो वो तीखी नहीं होती है। नमक डाल देंगे हम टेस्ट के अनुसार, और सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने मकरोनी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगी। अब हम इसके अंदर सॉस डालेंगे, रेड चिल्ली सॉस डालेंगे हम 1 चम्मच और 2 चम्मच। 2 चम्मच हम भरकर रेड चिल्ली सॉस डालेंगे। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो रेड चिल्ली सॉस कम डालें। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिल्ली सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच। अब हम इसके अंदर सोया सॉस डाल देंगे, 2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉस डाल सकते हैं। अब हम सभी सॉस को मिक्स कर देंगे। अब मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसको पानी में घोल लिया है, वो भी हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। इससे हमारी सॉस जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, और इसे इसी तरह चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसके अंदर मकरोनी डाल देंगे। आप डरिए नहीं, मकरोनी बहुत ही आसानी से खुल जाएगी, एकदम खिली खिली मकरोनी हमारी बनकर तैयार होगी। सारी मकरोनी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम डालकर इसे मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे, और बची हुई मकरोनी भी हम इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने सारी मकरोनी डाल दी है। अब हम इसे मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, ये आप जब मर्जी बनाकर खा सकते हैं। सुबह के नाश्ते में, सुबह शाम की भूख में, जब भी आपको भूख लगी हो तब आप इसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैंने 4 चम्मच टमाटो सॉस लिया है, ये भी हम
मकरोनी के अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और मकरोनी के अंदर बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। सॉस को भी हम मकरोनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, वेजिटेबल मकरोनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसमें अपने मनपसंद के वेजिटेबल डाल सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया है, मकरोनी बनाना बहुत ही आसान है। घर में मौजूद मसालों से हमने मकरोनी बनाकर तैयार कर ली है। देखिए, हमारी मकरोनी तैयार है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे टमाटो सॉस से डेकोरेट किया है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता लाइफस्टाइल चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।